अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि उन्नाव की घटना को लेकर एसआईटी बनाई गई है और यहाँ पर ये पहले सेंगर वाला केस नहीं है, दूसरा केस है। लेकिन हैदराबाद में जो हुआ, एक महिला होने के नाते, एक वकील होने के नाते, मुझे लगता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है। अगर जैसी करनी वैसी भरनी कोई गलत काम करेगा और उसके बाद पुलिस के हथकड़ी छोड़कर भी भागने की कोशिश करेगा, तो पुलिस को जो वेपन दिए गए हैं, जो बंदूकें दी गई हैं, वो सजाने के लिए नहीं दी है, उनका उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और कानूनी रूप के तहत उसकी FIR दर्ज होगी, NHRC को जाएगा और उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। वो सब अपनी तरीके से काम चलता रहेगा, लेकिन देश को जो सबसे बड़ी घटना जो निर्भया ने झंझोड़ा था, उसके अंदर 4 साल के अंदर ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले की सुनवाई की गई और 4 साल में मामला खत्म किया गया। लेकिन मुझे दुख होता है ये कहकर कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और निर्भया में हमने बहुत काम किया, इस सदन ने कानून भी बदला, लेकिन उसके बावजूद 3 साल तक दिल्ली सरकार उस मामले पर बैठी रहती है। उस फाइल के जो नोटिंग है उसको पब्लिक में पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं कि ऑपरचुनिस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं कि हैदराबाद में इंसिडेंट होगा, देश भर की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करवाओ और उस वक्त इस फाइल पर साइन किया जाए। मुझे लगता है कि देश के अंदर एक अभद्र माहौल भी बनाने की कोशिश है। 130 करोड़ का देश है और 130 करोड़ के देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत रहेगा, कुछ गंदे लोग होंगे, लेकिन 90 से ऊपर 99% लोग भले हैं। उन 99% लोगों को चरित्रहीन बताना, पूरे देश में ऐसा माहौल खड़ा करना, वो भी गलत है। अगर आप आंकड़े देखें तो भारत के आंकड़े 5-7% है, स्कैंडिनेवियन देशों के आंकड़े 55% है, अमेरिका के अंदर आंकड़े 36% है, यूके का आंकड़ा 35% है, लेकिन वहां पर ये घटनाएं प्रथम पेज पर नहीं लिखी जाती, कहीं छुपा दी जाती है और भारत को पूरी देश दुनिया में बताया जाता है कि ये महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल है। असुरक्षा के खिलाफ ये सदन सहमत है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी रूप से एक्सपेडिशियस डिस्पोजल होना चाहिए और जो भी कुछ पुरुषों के मानसिकता बदलने का विचार होना चाहिए, सब काम ठीक होने चाहिए, लेकिन सेंसेशनलाइज इश्यूज को नहीं करके सेंसिटिव हैंडलिंग होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार।